Hi everyone, welcome to my math channel. In this video you will get a complete concept of indefinite integrals type 1 से शुरू करके type 7 तक and 24 questions इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया. ये सब करने के बाद डेफिनेटली आपका indefinite integral का ऊपर हाथ स्ट्रांग होगा. क्लियर? इफ यू want टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन JEE बोर्ड, JEE मेन एज वेल एज JEE एडवांस एग्जाम्स, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम प्रॉपरली. Practice till you perfect, and perfect practice makes you perfect. Remember it, my dear friends. All the very best. Now, indefinite integral. Indefinite integral ka type 1 integrals of the form like this: dx by 1 plus minus sin x, sin x by 1 plus minus sin x, dx by 1 plus minus cos x, cos x by 1 plus minus cos x, sec x by sec x plus tan plus minus tan x, and cosec x by cosec x plus minus cot x. Jab aisa hoga, iske liye rule hai, simply rationalize that denominator. Suppose if you get like this, I integral. क्लियर? dx by this इसको सिंपली रेसलाइज कर दो, 1 प्लस साइन एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स सेपरेट कर दो. इसका इंटीग्रेशन क्या है? इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या है? सेक एक्स प्लस सी है. क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, ए टाइप को आपको ध्यान में रखना है. जब ए टाइप होगा, रूल है, ये सिंपली रेसलाइज द इंटीग्रेट दिस sec x बाय sec x प्लस tan x. इस टाइप का इंटीग्रल जब होता है तो इसको रेसलाइज करते हैं, sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा? सो दिस इज sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ये तो 1 है. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो sec स्क्वायर x माइनस sec x tan x, ये क्या होगा? tan x माइनस sec x प्लस सी है. क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, इसको आपको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए. इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस कॉस टू एक्स बाई टू कॉस एक्स प्लस वन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इस टाइप का क्वेश्चन जनरली JEE एग्जाम में पूछा जाता है. इसको कॉस टू एक्स को लिखो, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन. क्लियर? सो आप क्या करोगे, इसको फैक्टर फाइंड कर दो. इसका फैक्टर सो इज लाइक दिस, तो टू कॉस एक्स प्लस वन, टू कॉस एक्स प्लस वन कैंसिल है, सो दिस इज कॉस एक्स माइनस वन. सो कॉस एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स माइनस एक्स प्लस सी है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एज वेल एज. आज का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कॉस फाइव एक्स प्लस कॉस फोर एक्स बाई वन माइनस टू कॉस थ्री एक्स, दिस इज बेस्ट क्वेश्चन फॉर IIT एडवांस. JEE एडवांस के लिए ये क्वेश्चंस आप एज्यूम कर सकते हो. सो जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस है तो आपको क्या करना है, ए टर्म को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है. सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, साइन थ्री एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो. ये साइन थ्री एक्स का हाफ एंगल फार्मूला, ए कॉस सी प्लस कॉस डी का, और ये साइन सी माइनस साइन डी का. सो दिस इज देखो, साइन थ्री एक्स बाई टू, साइन थ्री एक्स बाई टू, कॉस नाइन एक्स बाई टू, कॉस नाइन एक्स बाई टू, टू एंड टू कैंसिल. रेस्ट ऑफ द पार्ट इज दिस, टू कॉस ए कॉस बी का मतलब क्या है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस टू एक्स प्लस कॉस एक्स. कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टू एक्स बाई टू, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स. दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन फॉर योर JEE एडवांस. इंटीग्रेट डी एक्स बाई टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स. क्लियर? सो माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन फॉर योर JEE एडवांस एग्जाम. साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, सो यू विल गेट दिस. अभी क्या करोगे, कॉस एक्स से डिवाइड कर दो. कॉस एक्स से जब डिवाइड कर दोगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस वन. अभी क्या करना है, देखो, वन प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स इस फॉर्म में लेना है, और रेसलाइज कर दो, वन प्लस टेन एक्स माइनस सेक एक्स. ठीक है? तो नीचे क्या मिल रहा है, देखो, नीचे तो आपको मिल रहा है, सो दैट इज टू टेन एक्स है. टू को बाहर कर दो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, सो दैट इज कॉस एक्स इन टू दिस. अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वन. कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, एंड माइनस वन का इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस सी है. दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन फॉर योर JEE एडवांस. नाउ इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म एफ एक्स बाई जी एक्स डी एक्स वायर, एफ एंड जी आर पॉलिनोमियल फंक्शंस. क्लियर? एंड डिग्री ऑफ एफ इज मोर देन एंड इक्वल टू डिग्री ऑफ जी है. जब ऐसा होगा, ए टाइप टू है, सिंपली डिवाइड द न्यूमरेटर बाई द डेनोमिनेटर. इसके लिए रूल है, सिंपली डिवाइड द न्यूमरेटर बाई द डेनोमिनेटर. सपोज इफ यू गेट आर क्वेश्चन इज लाइक दिस, एक्स माइनस टू बाई एक्स प्लस वन. देखो, दोनों का डिग्री सेम है. क्लियर? दो रूल आप समझ सकते हो, आइदर सिंपली डिवाइड द न्यूमरेटर बाई द डेनोमिनेटर, और एक्सप्रेस
द न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर लाइक दिस. उसका बाद सेपरेट कर दिया, इसका वन का इंटीग्रेशन x है एंड 3 log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस c है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड. आज का जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है. एक्सप्रेस द न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, यहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3. उसका बाद सेपरेट कर दो, 1 का इंटीग्रेशन x, ये क्या हुआ 3 tan इनवर्स x प्लस सी है. तो यार सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको समझना चाहिए. सो दैट इज 3 tan इनवर्स x प्लस सी है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर. आज का जो इंटीग्रेशन है x 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा देखो ऊपर का डिग्री ज़्यादा है, सिंपली डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर, ये डिवाइड करो तुम्हें ये मिलेगा. ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 माइनस x, ये क्या होगा tan इनवर्स x प्लस c है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर. नाउ इंटीग्रेशन x 6 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा क्लियर, इसके लिए रूल है सिंपली डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर. ठीक है, सिंपली डिवाइड कर सकते हो. और मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया, देखो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया. जब डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया सो व्हाट हैव यू गॉट, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x 5 बाई 5 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी है. क्लियर, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. आपको इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आपको हैंड को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. थ्री टाइप थ्री जब होगा सो दैट इज इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म एफ इनवर्स जी एक्स डी एक्स. क्लियर, जब भी इस टाइप का इंटीग्रल होगा तो आपके लिए क्या रूल है, सिंप्लीफाई ये जो जी एक्स को सिंप्लीफाई करो इन टर्म्स ऑफ एफ. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एफ में सिंप्लीफाई करना है, अप्लाई साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इज एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स है. जैसे साइन इनवर्स कॉस एक्स, कॉस एक्स को साइन का फॉर्म में लिखना है सो लाइक दिस, साइन इनवर्स साइन एक्स तो एक्स है सो दिस. अभी इसको इंटीग्रेट कर दिया, पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर. नाउ आज का जो क्वेश्चन है टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाई 1 प्लस कॉस 2 एक्स डी एक्स. क्लियर, 1 माइनस कॉस 2 एक्स क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2 एक्स क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 2 कैंसिल, ए क्या है सो दिस इज टेन स्क्वायर एक्स, उसका रूट क्या है टेन एक्स, सो दैट इज इज एक्स, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. इंटीग्रेशन टेन इनवर्स साइन 2 एक्स बाई 1 प्लस कॉस 2 एक्स डी एक्स. क्लियर, ए टाइप 3 का क्वेश्चन है, यहीं पे ये जो फंक्शंस है इसको इन टर्म्स ऑफ टेन का फॉर्म में लिखना है तो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 2 कैंसिल, ए इसका पावर कैंसिल, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, टेन एक्स टेन इनवर्स टेन एक्स, सो दैट इज एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ना एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस जो क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन एक्स. क्लियर, सो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा ए इंटीग्रल टाइप 3 है सो माई डियर फ्रेंड्स इसको टेन का फॉर्म में लिखना है तो 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन को कॉस फॉर्म में, कॉस को साइन फॉर्म में लिखो सो लाइक दिस यू विल गेट ए आपको मिलेगा. देखो यहीं पे ए पावर ए कैंसिल है, 2 2 कैंसिल, सो कॉट कॉट थीटा, इसको थीटा कंसिडर करो, सो कॉट को टेन का फॉर्म में जब लिखोगे पाई बाई 2 माइनस ऑफ दिस, इसलिए पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, सो दैट इज इज व्हाट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 पाई बाई 4 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एज वेल एज जेई. इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा रूल पुट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी है, यहीं पे जो फंक्शन होगा सो लाइक दिस डी एक्स बाई 2 एक्स माइनस 3, 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू टी, सो 2 डी एक्स इज डी टी, डी एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ डी टी है, सो दिस इज इक्वल टू इज व्हाट हाफ ऑफ डी टी, हाफ ऑफ डी टी बाई टी, हाफ ऑफ लॉग टी प्लस सी, हाफ ऑफ लॉग 2 एक्स माइनस 3 प्लस सी है. क्लियर और क्लियर, सो माय डियर फ्रेंड्स जैसा पेपर में 4 मार्क्स है तो इतना करना और 1 मार्क्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन तो लॉग एक्स है, लॉग 2 एक्स माइनस 3 का मॉड है और इसका डेरिवेटिव को नीचे लिख दो. जैसा देखो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई 5 माइनस 3 एक्स लॉग ऑफ 5 माइनस 3 एक्स, इसका डेरिवेटिव को नीचे लिख दो, बस सेकंड का अंदर यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ. इस टाइप का क्वेश्चन होगा ई टू दी पर 4 एक्स प्लस 3 डी एक्स, ई टू दी पर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई टू दी पर एक्स ही होता है, इसका डेरिवेटिव को नीचे लिख दो बस. साइन ऑफ
5x plus 7 है, sin x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस cos x है, 5x plus 7, इसका डेरिवेटिव को नीचे लिख दो, ठीक है। एंड सो लाइक दिस इंटीग्रेशन रूट 3x plus 5, रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू पर 3 by 2, तो 3x plus 5 3 by 2 और नीचे भी 3 by 2 होते हैं ना, लेकिन इसका डेरिवेटिव को नीचे लिख देना, सो दिस इज 2 by 9 by this, क्लियर। इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, एक मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछता है, तो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन को एक बार अच्छे से, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म dx बाई दिस, जब भी इस टाइप का होगा तो आप क्या करोगे, सिंपली रैशलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। जब भी इस फॉर्म में होगा डिनोमिनेटर का रैशलाइज करना, सो माय डियर फ्रेंड्स जैसा ये क्वेश्चन है, देखो डिनोमिनेटर को रैशलाइज कर लो, देखो यहीं पे x कैंसिल 2 माइनस 1, सो दैट इज 1 है डिनोमिनेटर, सो दिस रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सो दिस इज x प्लस 2 होल टू पी पर 3 बाई 2, नीचे 3 बाई 2 है, 3 बाई 2 को यू कैन राइट 2 बाई 3, सो सेम वे 2 बाई 3 x प्लस 1 होल टू पी पर 3 बाई 2, क्लियर। दिस टाइप का क्वेश्चन छोटे मोटे चाहिए एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम में पूछा, डी एक्स बाई दिस, क्लियर, इंटीग्रेट, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जब भी इंटीग्रेट होगा तो इसको रैशलाइज कर लोगे, जब रैशलाइज किया देखो 3x कैंसिल 5 माइनस 4 1 है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू दी पर 3 बाई 2 और नीचे 3 बाई 2, लेकिन इसका डेरिवेटिव को नीचे लिख देते हैं, ठीक है, सो दैट इज 2 बाई 9 3x प्लस 5 होल टू दी पर 3 बाई 2 प्लस 2 बाई 9 3x प्लस 4 होल टू दी पर 3 बाई 2, तो यार ये 2 बाई 9 कैसा आया देखो, सो दिस इज 3 बाई 2 इंटू इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 3 है, ये जब ऊपर जाएगा तो 2 बाई 9 हो जाएगा ना, क्लियर। इसी सो ये आपको समझना है बेसिक मैथमेटिक्स, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में एंड छोटे मोटे जेई एग्जाम में पूछा जाता है। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म एफ एक्स अंडर रूट ऑफ जी एक्स डी एक्स एंड एफ एक्स बाई रूट जी एक्स डी एक्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपको क्या करना है, पुट जी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, ये रूल को आपको ध्यान में रखना है जब भी इस फॉर्म में इंटीग्रेशन होगा, सो लाइक दिस ऐसा एक इंटीग्रेशन मैंने रखा है देखो, सो दिस इज एक्स माइनस वन बाई दिस, सो दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टी डी टी, देखो यहीं पर वैल्यू को पुट कर दिया, सो दिस इज टी टी कैंसिल, तो टी स्क्वायर माइनस वन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 माइनस टी एंड टी क्यूब इज व्हाट एक्स प्लस 4 होल टू दी पावर 3 बाई 2 बाई 3 माइनस दिस प्लस सी है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम एज वेल एज छोटे मोटे जेई एग्जाम में। नाउ टाइप सिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, x प्लस वन बाई दिस, जब भी इस टाइप का होगा सो डिनोमिनेटर इक्वल टू टी स्क्वायर पुट कर दो, यहीं से डी एक्स फाइंड कर लिया, टू टी डी टी, टू टू तो कैंसिल है ना, और यहीं से x का वैल्यू फाइंड कर लो, टी स्क्वायर प्लस वन बाई टू है, यहीं पे पुट कर दो, देखो टी टी कैंसिल, हाफ को बाहर कर दो, सो दैट इज हुआ टी स्क्वायर प्लस वन डी टी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 प्लस टी प्लस सी है, सो टी क्यूब मीन्स क्या, 2x माइनस 1 होल टू दी पर 3 बाई 2 बाई 3 एंड 2x माइनस 1 होल टू दी पर 3 बाई 2 प्लस सी है। सो माय डियर फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम एज वेल एज छोटे मोटे जेई एग्जाम में। सो दिस इज टाइप 7 इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स, जब भी इस टाइप का होगा तो पुट एफ एक्स इक्वल टू टी, ए इसके लिए रूल है, क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला का ऊपर आपको ध्यान देना है, टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस सी, कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और दिस लॉग ऑफ टेन पाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे लॉग ऑफ टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी है, एंड इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और यू कैन से लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी है। ये चार फार्मूला है, ये चार फार्मूला को एक बार आपको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। नाउ इंटीग्रेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है इसीलिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट कर दो, सो दिस इज डी टी, डी टी बाई टी क्या है लॉग टी प्लस सी, सो दैट इज लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी है, क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम एज वेल एज छोटे मोटे जेई एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इसी टाइप का क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस करना। नाउ इंटीग्रेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस साइन टू एक्स डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई वन प्लस, ये क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, सो दैट इज डी टी, डी टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी,
टी का जगह पे इसे लिख दो, टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। इस टाइप का क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम एज वेल एज छोटे मोटे चाहिए एग्जाम में पूछा जाता है। इंटीग्रेट डी एक्स बाई टू दी पर एक्स प्लस वन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा क्लियर। सो ई टू दी पर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ई टू दी पर एक्स, इसीलिए मैंने ऊपर नीचे ई टू दी पर एक्स से डिवाइड कर दिया एंड पुट ई टू दी पर एक्स इक्वल टू टी, तुम्हें ये फंक्शंस मिला है। जब भी इस टाइप का लिखोगे पहले छोटा टर्म एंड देन ग्रेटर वन, ठीक है। फिर न्यूमरेटर को एक बार कैलकुलेट करके देखो, टी प्लस वन माइनस टी वन ही है, यहीं पर तो वन ही है, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग टी, इसका लॉग ऑफ टी प्लस वन है। जब ऐसा होगा लॉग ऑफ टी बाई टी प्लस वन, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज लॉग टी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी है एंड टी का जगह पे ए टू दी पर एक्स लिख दो, लॉग ए टू दी पर एक्स बाई ए टू दी पर एक्स प्लस सी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एज वेल एज जे में। इंटीग्रेट डी एक्स बाई एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस वन, क्लियर। ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स क्यूब इक्वल टू टी पुट कर दिया, सो वन बाई थ्री डी टी बाई टी प्लस वन, क्लियर। सो दिस इज, देखो ये पहले छोटा को फंक्शंस को लिखो एंड देन ग्रेटर वन, इसका इंटीग्रेशन लॉग टी, इसका लॉग ऑफ टी प्लस वन, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी एंड टी का जगह पे यू विल राइट एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब प्लस वन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा देखो यू कैन राइट इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फाइव, फाइव एक्स टू दी पर फोर, तो वन बाई फाइव एंड आंसर क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स टू दी पर फाइव बाई एक्स टू दी पर फाइव प्लस वन है। इसका इंटीग्रेशन देखो, जो ऊपर रहेगा छोटा फंक्शन, नीचे रहेगा ग्रेटर वन, सो इसका क्या होगा वन बाई टेन, ये छोटा फंक्शन माइनस है इसीलिए छोटा फंक्शन, लॉग ऑफ एक्स टू दी पर टेन माइनस वन बाई एक्स टू दी पर टेन प्लस सी है, क्लियर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जे। इंटीग्रेट साइन टू एक्स बाई साइन फाइव एक्स बाई साइन थ्री एक्स डी एक्स, जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन होगा इसको तुम्हें लिखना है डिफरेंस ऑफ फाइव एंड थ्री, ठीक है। तो फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स साइन ए माइनस बी, अभी इसको जब सेपरेट कर दिया देखो यहीं पे कॉस थ्री एक्स बाई साइन थ्री एक्स कॉट थ्री एक्स, यहीं पर सेपरेट करो, साइन फाइव एंड साइन फाइव कैंसिल हो रहा है, कॉस फाइव एक्स, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज, यहीं पर क्या होगा, सो दिस इज कॉस फाइव एक्स बाई साइन फाइव एक्स, ए थ्री है तो ये तो इसका साथ कैंसिल हो जाएगा, सो कॉट फाइव एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है लॉग साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव को नीचे लिख दो, कॉट फाइव एक्स लॉग साइन फाइव एक्स, इसका डेरिवेटिव को नीचे लिख दो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एज वेल एज। इंटीग्रेट डी एक्स बाई साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, क्लियर। सो दिस इज, जब भी ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, देखो यहीं पे क्या है माइनस ए माइनस बी तो है ना, सो दिस इज साइन बी माइनस ए, से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, यही ट्रिक है। सो लाइक दिस, अभी साइन बी माइनस ए को इस फॉर्म में लिखना है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला को लिख दो एंड दिस बाई दिस माइनस दिस बाई दिस, सो कॉट ऑफ एक्स माइनस बी माइनस कॉट ऑफ एक्स माइनस ए, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है, ए भी लॉग साइन एक्स है, कॉट, क्लियर। सो दैट मीन्स क्या, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी है, क्लियर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एज वेल एज जे। डी एक्स बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, जब भी यहीं पे क्लियर सेम टाइप का फंक्शन रहेगा तुम्हें इस टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, आइदर कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी फॉर्म में होगा तो इसी से मल्टीप्लाई करना है, बी माइनस ए को इस फॉर्म में लिखो। अभी क्या करना है देखो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद सेपरेट कर दिया, टेन ए टेन ऑफ एक्स माइनस ए माइनस टेन ऑफ एक्स माइनस बी, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था लॉग सेक एक्स, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी है, क्लियर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एज वेल एज क्लियर जेई मेन एग्जाम। यहीं पे ये ध्यान में रखना है, जब सेम फंक्शंस होगा कॉस कॉस है तो ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई करना है, सपोज यहीं पे साइन साइन होता सेम मल्टीप्लाई आपको करना है। नाउ आज का जो इंटीग्रेशन है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वन माइनस एक्स बाई दिस, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा डिनोमिनेटर में जो फंक्शंस है उस फॉर्म में आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को लिखना है। मैंने ई टू दी पर एक्स एड एंड सेपरेट किया, देखो इसका डेरिवेटिव ए है और सो इसको अलग अलग कर दिया, इसका डेरिवेटिव देखो, सो दिस इज डी टी बाई टी लॉग टी एंड वन का इंटीग्रेशन सो दैट इज इज एक्स प्लस सी है, यहीं पे और कुछ नहीं है, क्लियर। जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन होगा ई टू दी पर एक्स दोनों में एड एंड सेपरेट कर दो, सो यू विल गेट दिस, सेपरेट कर दो इंटीग्रेट कर दो, बस नथिंग एल्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई मेन एग्जाम।